गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि मैं अब कौन सी आईडी को यूज़ करता हूँ अपने आर्डिनो को प्रोग्राम करने के। तो गाइस, जैसा कि हम लोग सभी कोई जानते हैं कि आर्डिनो जो है एंड्रॉयड फ़ोन से भी प्रोग्राम हो सकता है। इसके लिए हमें कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं होती है, वो इस एक स्पेशल पर्पज़ के लिए होती है। जैसे कि बूटलोडर बर्न करने के लिए और भी बहुत सारे काम के लिए हमें लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अपने फ़ोन से ही प्रोग्राम कर लेते हैं। बस आपके फ़ोन में ओटीजी सपोर्टेड फ़ोन होना चाहिए। तो चलिए, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि मैंने जो एंड्रॉयड इस जो एप्लीकेशन होते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसको छोड़कर मैंने दूसरे आईडीए को क्यों अपनाया। ऐसा कि आप लोग सभी को ही जानते हैं कि हम लोग ज़्यादातर अपना जो टाइम है फ़ोन में ही स्पेंड करते हैं, फ़ोन से ही काम करते हैं। हम लोग ज़्यादातर लैपटॉप को या पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग मैं रिकमेंड करूँगा कि फ़ोन से ही आप लोग प्रोग्राम कीजिए, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तब आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ कीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड फ़ोन की। तो एंड्रॉयड फ़ोन में बेसिकली दो एप्लीकेशन आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आज जो आईडी बताने वाला हूँ वो है वेब एडिटर, मतलब कि वो ऑनलाइन होता है, उस पर काम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन से जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो एप्लीकेशन का जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा जो है वो लिस्ट हो गया है, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, लेकिन हमारा प्रोग्राम लग रहा है कि हमारा प्रोग्राम काम करेगा, और कभी कभी क्या होता है कि इन केस एक्सीडेंटली वो जो एप्लीकेशन है वो रिसेंट से हट जाता है। तो इन केस में क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम बना बनाया वो सेव नहीं हो पाता, ऑटो सेव का उसमें फंक्शन नहीं होता है एप्लीकेशन में। तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वेब एडिटर का इस्तेमाल करें, और ये कोई किसी अदर वेबसाइट की नहीं है, किसी कंपनी आर्डिनो की जो कंपनी है, जो लोग आर्डिनो बनाते हैं, जो कंपनी आर्डिनो बनाती है, उसी कंपनी की वेबसाइट है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में हो, जैसे कि क्रोम हो गया, अगर सैमसंग का फ़ोन आप लोग यूज़ करते हैं तो सैमसंग इंटरनेट है। तो मैं अभी सैमसंग इंटरनेट से आर्डिनो प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम लोग लिखेंगे इसमें arduino.cc। अब नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। तो गाइज, आप लोग यहाँ देख सकते हैं आर्डिनो का जो वेबसाइट है वो खुल चुका है। अब हम लोग को यहाँ से कहाँ जाना है, सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 डॉट है ऊपर में, यहाँ आप लोग को क्लिक करना है साइन इन के बगल वाले में। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है सॉफ्टवेयर वाले। सॉफ्टवेयर में जैसे क्लिक करेंगे हमें दो ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन टूल्स और डाउनलोड्स। तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाकर हम लोग आर्डिनो का जो आईडी है डेस्कटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए, हम लोग वहाँ से डाउनलोड करते हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं ऑनलाइन टूल्स के ऊपर। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो एक अगला पेज खुलेगा। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर खुल रहा है। एज एग्ज़ाम्पल आप लोग देख सकते हैं आर्डिनो वेब एडिटर, गेटिंग स्टार्टेड आर्डिनो प्रोजेक्ट हब, और भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो हम लोगों को सिंपली से यहाँ क्लिक करना है आर्डिनो वेब एडिटर जो है फर्स्ट नंबर पे है। तो गाइस, जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे तो उसमें आप लोगों से लॉगिन डिटेल मांगेगा। तो यहाँ मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, मेरे पास तो आईडी है, लेकिन मैं ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अकाउंट बनाकर भी आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो नीचे आएँगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्रिएट अ न्यू अकाउंट, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब इसमें जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कि यूज़र नेम, ईमेल। ईमेल में आप लोग अपना जीमेल अकाउंट भी दे सकते हैं। अब आप लोग पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड में कह रहा है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, उसके बाद है कन्फर्म पासवर्ड। तो चलिए हम लोग ये सब डिटेल्स जो है फिल कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देते हैं ईमेल। अब हम लोग अपना पासवर्ड सेट करेंगे। तो पासवर्ड आप लोग कुछ भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, मिनिमम 8 कैरेक्टर के यहाँ पे बोला जा रहा है पासवर्ड देने के लिए। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो गाइज, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने पासवर्ड जो भी डिटेल यहाँ फिल करना था मैंने कर दिया है।
अब यहाँ से आप ये सबको आप लोग टिक कर देना है, टिक ऑल में। अब क्रिएट अकाउंट में आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोगों का अकाउंट न्यू अकाउंट बन जाएगा। तो गाइस जैसे ही हम लोग अकाउंट बना लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जैसे कि ये पहले खुल चुका है। तो अब हम लोग जाएंगे सबसे पहले आर्डिनो वेब एडिटर पे। तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे फिर से। तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंटरफेस है प्रोग्रामिंग करने के लिए वो इंटरफेस खुल जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नो प्लगइन कनेक्शन अपलोडिंग इज़ नॉट अवेलेबल येट फॉर मोबाइल एंड टैबलेट। इसमें ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और फ़ोन से शूट करने के लिए मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ ये लिख रहा है। तो मैं यहाँ ओके टैप कर दूँगा। तो अब चलिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुछ स्क्रीन पे यहाँ कुछ प्रोग्राम शो हो रहा है। तो ये मेरा पहले का अकाउंट बनाया हुआ है, मैंने फिर से स्विच कर लिया पहले वाले अकाउंट पे ट्यूटोरियल को और अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुछ ट्यूटोरियल जो कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है आप लोगों को प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। तो ये वो सब सारे प्रोग्राम यहाँ मौजूद हैं। तो अब चलिए हम लोग इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं कि ये आर्डिनो का जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड वाला, उससे कुछ कुछ जो दो तीन फंक्शन है जो इसका जो इसको अलग कैसे बनाता है। मैंने पहले भी बताया कि इसमें ऑटो सेव का जो मुझे जो प्रोग्राम है बहुत पसंद आया मुझे। अगर गलती से अगर आईडी हट भी जाता है रिसेंट से, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं पहले का मेरा जितना भी प्रोग्राम है सब यहाँ ऑटो सेव हो गया है। तो गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल चुका है। अब चलिए हम लाइन बाय लाइन समझते हैं इसके फीचर्स को। तो इसमें गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका मुझे तीन फीचर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सबसे पहला फीचर्स जो है वो थीम इसका। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में हम लोगों को थीम्स मिलता है, लेकिन उसमें कुछ हम लोगों को पेमेंट करने पड़ता है। मतलब कि 7 से 8 दिन के लिए हम लोगों को मैक्सिमम थीम्स मिलता है, वाइट थीम्स या ब्लैक थीम्स मिलता है, फिर हम लोगों से वापस ले लिया जाता है, वो फिर से ब्लैक थीम्स पे आ जाता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें आप लोगों को पेड नहीं करना पड़ेगा, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे थीम्स के लिए। दूसरा जो है ऑटो सेव के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा पहले का भी प्रोग्राम है। आप लोग लेफ्ट में जो है डेट भी देख सकते हैं, 6 मई का है, 10 मई का है, वो जो भी मैंने ट्यूटोरियल जो पहले बनाया है सारा ट्यूटोरियल यहाँ पे मौजूद है ऑटो सेव में, मैंने सेव नहीं किया यहाँ। और जो सबसे लास्ट है थर्ड वन, इसका मल्टीपल बोर्ड, इसका मुझे मल्टीपल बोर्ड भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए आपको जैसे मान लीजिए आर्डिनो को प्रोग्राम करना है तो आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं आर्डिनो को, लेकिन एज एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको ESP32, ESP8266 अगर आप लोगों को प्रोग्राम करना है तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर इन केस आप लोगों के पास फ़ोन नहीं है, सॉरी लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड फ़ोन से, जी हाँ आप लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही ESP32 बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कुछ चार्जेस पे करने होंगे आर्डिनो वेबसाइट वाले को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके बोर्ड में कौन कौन से बोर्ड हम लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं फ्री में और पेड में। तो गाइज़ यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बहुत सारे बोर्ड खुल चुके हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ जो लॉक का जो साइन बना हुआ है ऑरेंज कलर में, ये सब जो है पेड है। मतलब कि अगर आप लोगों को ये सारे बोर्ड यूज़ करने हैं तो आप लोगों को इसके पैसे देने होंगे। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फ्री कौन कौन से हैं। तो आप लोग फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं आर्डिनो 101, आर्डिनो जेन्यूनो 101 है, ये फ्री है हम लोगों को मिलेगा। आर्डिनो डियो है, आर्डिनो डियो प्रोग्रामिंग पोर्ट, पोर्ट अलग अलग पोर्ट के लिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं आर्डिनो एक्सप्लोरर, ईथरनेट, लियोनार्डो, लियोनार्डो ETH, आप लोगों को ये सारे बोर्ड आर्डिनो मिनी है, माइक्रो है, MKR, GSM 1400, ये सारे बोर्ड्स आप लोगों को फ्री मिलते हैं। मतलब कि इसके लिए आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, चार्जेस आप लोगों को देने पड़ेंगे सिर्फ इन सारे बोर्ड के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया ESP8266, ये सारे बोर्ड के लिए, ESP बोर्ड के लिए आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। अगर इन केस आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग पैसे दे सकते हैं। अगर जिनके पास है तो वो आप अपने लैपटॉप या इससे भी प्रोग्राम कर सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर से भी प्रोग्राम कर सकते हैं।
मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये पोर्टेबल है, आप लोग कहीं पे भी आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज़ ये थे कुछ ऑर्डिनो जो वेब एडिटर के कुछ फीचर्स हैं। चलिए और कुछ दो तीन फीचर्स को हम लोग देखते हैं, जैसे कि सिंटैक्स हाइलाइटिंग। आप लोग यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग प्रोग्राम करेंगे। मैंने ट्यूटोरियल में आप लोगों को पहले ही बताया, सॉरी थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। इसमें मुझे एप्लीकेशन से ज़्यादा बेटर इंटरफेस लगा इसमें, इसलिए मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करता हूँ, आप लोग इस पे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब और सारे फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हम लोगों को मिलता है, जैसे कि लाइब्रेरी सपोर्ट भी है, प्रेफरेंसेस भी है, जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप में मिलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं, थीम्स मिलता है हमको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक है लाइट थीम्स, दूसरा है डार्क थीम। तो जैसे ही मैंने डार्क थीम किया है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं डार्क थीम में इनेबल हो गया है। अब दूसरा उसके ऊपर है फॉन्ट साइज़ है। अब फॉन्ट साइज़ हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए अभी 10 था, 12 भी कर सकते हैं, 20 भी कर दिया मैंने। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे फॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है घट रहा है मेरे फॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। तो गाइस चलिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने लेफ्ट में क्लिक किया है, न्यू स्केच में जा रहा हूँ मैं, यहाँ एक विंडो खोल चुका है न्यू स्केच के लिए। तो गाइज यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुछ पहले से लिखा हुआ है वाइड सेटअप एंड वाइड लूप। हम लोग प्रोग्राम करते हैं, यहाँ मैंने फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ एक सिंपल सा, जैसे कि हम लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग में देखते हैं LED ब्लिंक का प्रोग्राम। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं हैश डिफाइन LED को मैंने असाइन किया है पिन नंबर 3 में, सॉरी मैंने कमेंट में लिख दिया। हैश डिफाइन LED 3, मैंने LED पिन को पिन नंबर 3 में अटैच किया मैंने। अब वाइड सेटअप के अंदर मैं लिखूँगा पिन मोड LED, LED जो है आउटपुट रहेगा। हम लोग इनपुट भी ले सकते थे, जैसे कि मान लीजिए बटन हम लोगों को ऐड करना है, मतलब कि हम लोग बटन प्रेस करें तो LED जो ऑन हो जाए। मैं यहाँ सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा मैं लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा वाइड सेटअप के अंदर कि LED जो है आउटपुट रहेगा। अब हम लोग LED को ब्लिंक कराना चाहते हैं, तो एग्जांपल में मैंने पहले भी प्रोग्राम बनाया है डिजिटल राइट LED, डिजिटल राइट LED हाई, यहाँ हम लोग सेमी कोलोन देंगे। सेमी कोलोन जो है इसका प्रोटोकॉल है, इसको अगर हम लोग भूल जाते हैं तो प्रोग्राम में हम लोगों के एरर आएगा। अब इसको हम लोग लिखते हैं कितने देर के लिए हम लोग LED को हाई करेंगे, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिले फंक्शन, डिले 1000, यानी कि 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। हम लोग इसमें एक और जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया 10000 मिली सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड के लिए LED जो है ऑन रहेगा। अब 10 सेकंड के बाद क्या होगा, LED लो हो जाएगा। अब ये लूप वाइड लूप के अंदर हम लोग फंक्शन के अंदर हम लोगों ने बनाया है, तो ये होगा लूप में चलता रहेगा, मतलब कि जब तक हम लोग ऑर्डिनो को ऑफ पावर ऑफ नहीं कर देते हैं तब तक ये 10 सेकंड के लिए ऑन होगा, 10 सेकंड के लिए ऑफ होगा। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम, अभी मैं अपलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक पता हो गया होगा कि अपलोड कैसे करते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अपलोड कैसे करते हैं, मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपलोड भी कैसे करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत भी हुई तो मैं हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो गाइज़ ये था कुछ आर्डिनो प्रोग्रामिंग वेब ट्यूटोरियल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।